पूरी शेर दिख रही है भाई, खतरनाक वाली, दिखाता हूँ अभी आप। सो ये रहा शेर पूरा, आवाज नहीं आएगी भाई, खतरनाक आवाज है यार इसकी बाइक की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बड़े होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। लास्ट के दो दिन रह गए अपने दिल्ली के अंदर, थोड़ा एक्साइटमेंट सी हो गई है क्योंकि इतने दिन बाद, मतलब मैं वैसे जब भी ट्रैवल करता था इतने दिन मैं कभी घर पे नहीं रहा हूँ, मतलब दो या तीन दिन या चार दिन मैक्सिमम घर रहा हूँ, उसके बाद नई ट्रिप पे चला गया। इस बार काफी दिन रहा हूँ तो मन बहुत लग गया है घर पे जाने का, तो मन नहीं कर रहा है। आज जा रहे हैं हम करोल बाग बाइक देखने के लिए, चलते हैं बाइक बाइक देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कौन सी पसंद आती है, वहीं चल के बताते हैं। मेरे दम बसी बोर से लेकर कार बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार रोज करता अखा दा दिला युद्ध करे जब जे आओ बोर वांगू जना मुंद टुकी अंगड़े लोका ता दी अगे पिंगे बवे घूमते मिंटो मिंट पट ना तू हस। लेट मी टेल यू दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी जल्दी आने का चक्कर ये था कि भाई की आ रही बाइक, तो बाइक के पिक करने के लिए जल्दी आना जरूरी था, और सुबह से ट्रक पे खड़ी हुई थी और उसका चलान भी हो गया, पुलिस वाले चलान कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी उतरवाते हैं। पूरी शेर दिख रही है बाइक, खतरनाक वाली, दिखाता हूँ अभी आप। सो ये रहा शेर पूरा, अभी से उतारा जा रहा, पूरा करोल बाग पहुंच चुके हैं अपन इस वक्त। क्या एग्रेसिव दिख रही है ना बाइक यार, कितनी खतरनाक लग रही है। आवाज नहीं आएगी भाई, खतरनाक आवाज है यार इसकी बाइक की। सो गाइस, ये तो भैया भाई आगे बहुत चले गए, देख रहे हो, आपने तो इधर बोला था, आप उधर कहाँ चले गए भाई? आगे पावर फील करके, इतनी खतरनाक पावर है, ऐसा लग रहा है शेर के ऊपर बैठ गया। खतरनाक शेर है भाई ये, खतरनाक वाला यार, बहुत चिल्लाता है भाई, भाई इसके ऊपर बैठ के तो बात भी नहीं करी जाती, मुझे डर नहीं आता की आवाज आएगी। गाड़ी के ऊपर बैठ गया ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई शाही सवारी के ऊपर बैठ चुका हूँ, और ये चला के ऐसी फील आ रही है, खतरनाक वाली यार, बहुत कर रही, बहुत एग्रेसिव है यार, बहुत ज्यादा। पावर मतलब 650 में इतनी नहीं है, 650 इंजन है। मम्मी इस बाइक के लिए कभी नहीं मानेंगी, लेकिन यार ये बाइक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है यार, एक तो रेड कलर मेरा फेवरेट है। खतरनाक भाइयों के पास नहीं है हेलमेट, तो हेलमेट ना होने वैसे ना धक्का मार के आना पड़ेगा, वो पीछे कट है ना रॉन्ग साइड, तो वहाँ धक्का मार के लेके जानी पड़ेगी बाइक, और फिर घुमा के लेके आनी पड़ेगी, जब तक हम गाड़ी घुमा के पूरा लेकर आते हैं। भाई करोल बाग का ट्रैफिक देखने दिखाने लायक होता है, बिल्कुल जैम पैक्ड है, गाड़ी रखने की जगह भी नहीं है आज तो यहाँ पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कार कहाँ खड़ी करने वाला हूँ आप। खतरनाक सीन है यहाँ पे। फाइनली अपन बात चल रहे हैं बाइक के शोरूम के अंदर, बाइक यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, मतलब कि सोच नहीं सकते, हर बाइक पसंद आ जाती है लेकिन हर बाइक लॉन्ग रूट पे चल नहीं पाती है, भाई की बाइक भी लॉन्ग रूट पे नहीं चल रही है, उसे बहुत दिक्कत आती है चलाने में। सो अभी बैठा हुआ मैं हायाबूसा के ऊपर, और ये तो यार अलग ही एग्रेसिव बाइक है यार, खतरनाक फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई बड़े से ट्रक के ऊपर बैठा हुआ मैं, उठ भी नहीं रहा है, 300 किलो वजन है इसकी। ये बाइक मेरा ड्रीम है, ये बाइक मेरा ड्रीम है, पता नहीं कब होगा पूरा, लेकिन इसे पालना एक हाथी को पालना बराबर है, खतरनाक बड़ा हाथी है ये, छोटा सा लग रहा हूँ बाइक के ऊपर बैठा हुआ, नेक्स्ट लेवल फील है यार। शाम के बज गए 6,
सो दोपहर के बज गए 4, हम आए थे 10 बजे। अभी एक इशू बढ़ गया है, थोड़ी बहुत देर में समझाता हूँ आपको सारा इशू। कर्रा स्कैम होता है भाई। सो टाइम हो रहा है शाम के 6 और बहुत खतरनाक हाल है यार, मतलब कि पूरा दिन बर्बाद हो गया है। और जो सीन है वो थोड़ा बहुत देर में समझाता हूँ आप लोगों को। सो मैं थोड़ा अभी साइड आया था, सक्षम भाई ने गाड़ी ली थी आज से 2 महीने पहले, जब अपन नॉर्थ ईस्ट साइड पे गए थे ना तभी मेरे सामने लेके गए थे गाड़ी। और 2 महीने के अंदर इस गाड़ी की इतनी डेप्रिसिएशन कर दी ना, मतलब कि सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इतनी कमियां निकाल दी हैं, जितनी कमियां इसके अंदर थी भी नहीं ना वो भी कमियां निकल के आ चुकी हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। और पैसे बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं ये, मतलब बहुत तगड़ाई वाला कुछ सीन है, बाद में समझाऊंगा पूरा। अभी ना इंजन ऑयल डाल के देख रहे हैं, इंजन ऑयल खत्म हो गया, जबकि इन्होंने सर्विस कराई अभी 10 दिन भी नहीं हुए, और सर्विस कराने वाले इन्होंने गाड़ी चलाई भी नहीं है, पता नहीं कैसे इंजन ऑयल कम हो गया। इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि शायद इंजन ऑयल था इसके अंदर, इन्होंने निकाल लिया हो ताकि बोलने के लिए इंजन सीज है। पर अभी इंजन ऑयल डाल के देख रहे हैं, अगर गाड़ी सही होगी तो फिर देखते हैं क्या बात होती है। भाई इस गाड़ी का इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस गाड़ी का इंजन ऑयल एक डब्बा 1140 रुपये का है, जो मेरी बाइक के लिए इंजन ऑयल आता है उससे 3 या 4 गुना महंगा। तो सुबह से भूखे थे अपन और जस्ट भी अपना खाना है, बहुत तेज भूख लगी है, टेंशन की वजह से खाना नहीं खाया भाई साहब। सो ऑयल काफी गंदा भी निकला है, देखते हैं गाड़ी को भी पूरा सही करेंगे, सीधा करेंगे और देखते हैं थोड़ा बहुत और इंजन निकलता है कि नहीं, लेकिन लग नहीं रहा कि इसके अंदर इंजन निकलेगा। गाड़ी का इंजन होने की कंडीशन पे आ गई, तो इसमें ना लाखों की लग गई इसकी बाइक की। निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एंड पहले फिल्टर पूरा था इंजन का, हाँ लगा हुआ निकला है, मुझे लगता गाड़ी सीज हुई है क्योंकि काफी इंजन ऑयल निकला है। वो टिप के ऊपर इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि पहले उन्होंने टिप चेक करी थी, टिप पे ना आ नहीं रहा था। जैसे हम इंजन निकालते हैं ना उसके अंदर लेवलिंग होती है, तो उसमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर गाड़ी चला के आओ कई बार नहीं आता है। तो इंजन ऑयल भी निकाला है तो इंजन ऑयल तो पूरा निकल आया सही तरीके से। सो अभी नया इंजन ऑयल डाल के ना अपन गाड़ी को चेक करेंगे चालू करके कि धुआं फेंकती है कि नहीं, इंजन सही है कि नहीं। वैसे यार सिर्फ 1.5 महीने पहले लिया थी तो इंजन सीज नहीं होना चाहिए था ना, तो बाइक वैसे बहुत बुरा लगता है, बहुत मेहनत की कमाई है ना, काफ़ी भाई ने मेहनत करी है उसके बाद बाइक ली और ख़राब हो जाएगी तो बहुत दुख लगेगा। और सिर्फ अभी थोड़े समय पहले लिया, व्यूज डाउन हो गया तो चैनल का ग्राफ भी डाउन हो गया, तो उसकी पेमेंट भी नहीं आ रही है, तो वो बाइक मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें बेचनी पड़ रही है। सो मैं भी इसलिए आया था देखने के लिए कि सुपर बाइक्स अगर लेते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं अपने लिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अभी थोड़ी बहुत समझ में नॉलेज आ जाएगी, कभी खरीदी नहीं है ना तो पता नहीं है क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब मुझे इतना तो पता है जैसे मैं अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल टाइम से डलवाता हूँ तो इनमें भी इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा टाइम से, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इनका भी इंजन ऑयल काफ़ी गाढ़ा हो चुका था और काफ़ी खराब हो चुका था, 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है और अभी सिर्फ 1 लीटर के ही करीब निकला होगा। नया इंजन ऑयल डल रहा है, सो पूरा न्यू इंजन ऑयल फिलअप हो रहा है अभी, और भैया तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, बाकी एक बार ऑन करके देखते हैं क्या सीन रहता है पूरा। सो अभी दोस्तों गाड़ी ऑन करने वाले हैं, और अगर ये धुआं दी तो फिर दिक्कत है, अगर धुआं नहीं दी गाड़ी ने तो गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है दिक्कत के बगैर। सो भाई का मतलब कि दिन पूरा बढ़िया हो जाएगा अगर धुआं नहीं दी, और धुआं दे गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब ये समझना अगर धुआं दे गई तो 1 से 1.5 लाख रुपए गए। सो इस वक्त खुशी का लेवल तो कुछ अलग ही है क्योंकि सुबह से टेंशन में थे यार, कोई कह रहा था इंजन सीज हो गया है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, डैमेजेस बहुत सारे निकाल दिए, डर लग रहा था। पर अभी टेंशन थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि गाड़ी जेन्युइन से 90% कम ही लग रहा था कि इंजन सीज हो गया है, पर इंजन सीज अगर हो जाता तो इसकी गाड़ी का बिल्कुल कहते ना 3rd क्लास हो जाता काम, मतलब ये समझ लो पूरा पैसा डूब जाता इस बाइक का। पर बच गया भाई, इंजन बनवाने का पैसा अलग लगता और गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाती है कि नहीं भैया? सही बात, बिल्कुल। सो काफी हद तक बच गए हम।
सो हम बाइक के शोरूम से वापस लौट कर आ गए हैं। और एक बात बताऊं ना, सेकंड बाइक खरीदना आसान है, वापस बेचने में ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ये चीज मुझे आज रियलाइज हो गया, क्योंकि जिससे आप बाइक खरीदते ना वो आपको मतलब जब अगर आप चेन के थ्रू लेते हो तो बहुत दिक्कतें आती है भाई, बहुत खतरनाक दिक्कतें आती है भाई का। अभी भी मतलब ऑलरेडी समझ लो आप 1 या 1.5 लाख या 2 लाख समझ लो, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर खत्म हो गए, एक तरह से खत्म ही हो गया पूरे। सो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस वक्त सुपर बाइक्स में, और अजीब सा दिल हो गया। खैर ये सभी के साथ नहीं होता है, बाकियों की मेरे मतलब और भी बहुत सारे दोस्त हैं जम्मू में जो ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने बाइक ली थी, सुपर बाइक्स ली थी, अलग अलग जगहों से ली थी, सबके साथ सेम दिक्कत नहीं आई। पर ये दिक्कत आई तो मुझे जान के अपने नॉलेज मिल गई है ना कि अपने लिए हमें किस तरीके से लेनी है और सब कुछ देख दिखा के लेनी है, क्योंकि अपनी जो चीज़ है ना यार वो हम लंबे टाइम तक चलाएंगे, 1 या 2 या 4 महीने नहीं सालों साल चलाएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से लेनी है और दिल के पास ही रही हो, क्योंकि फर्स्ट बाइक होगी ना अच्छी, इतनी महंगी बाइक, और क्या बोलूं मतलब दिल खराब नहीं होना चाहिए। जैसे भाई इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, इमोशनल हो गया होगा भाई अपने बाइक बेचते हुए, है ना भाई? बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार, मतलब इतने टाइम से साथ रखी हुई हो चीज और फिर बेचनी पड़े। जैसे धन्नो हमारे साथ कितने टाइम से है और हम बिल्कुल भी राजी नहीं हो इस वक्त बेचने के लिए, चाहे वो कितनी भी दिक्कत हो उसमें, है ना? तो वैसे ही है, पर दिक्कत कोई नहीं आती अगर आप जेन्युइन बाइक ले लो ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाइक ही ऐसी चीज है जब आप लंबे लंबे रूट पे ट्रैवल करते हो तो वो आपको सपोर्ट करती है, आपके अलावा वही एक चीज ऐसी है जो बैकअप पूरा सपोर्ट बनी होती है हमारा। सही बात है कि नहीं भाई? सही बात। सो चलते हैं भाई, पूरा दिन लगभग हमारा लग ही गया यहाँ पे। सुबह के आए हुए थे हम, सुबह 10 बजे के आए थे और 8 बज रहे हैं अभी, बज रहे हैं 8 बज रहे हैं भाई। सो पूरा दिन लग गया, पर भाई इतनी कमियां निकल जाती हैं बाइक के अंदर, मुझे भी नहीं पता था भाई बहुत सारी कमियां निकल गई, जो सोच भी नहीं सकता है भाई कि इससे दिक्कत हुई है। वो यार नहीं हुई भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसने वो सब चीजें जानी भी नहीं होगी लेते समय, पर बंदा ऐसा डरा देते हैं ना, पर बाद में ये पूरा उसका रेट गिराने के लिए सब कुछ काम खराब कर देते, मतलब सामने वाला बिल्कुल डर जाएगा, घबरा जाएगा, इतना ज्यादा डिप्रेस कर दिया था कि इंजन सीज हो गया ना तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ डर गए थे भाई हम, खतरनाक वाले। सब पूरा 1 घंटे से ऊपर लग गया करोलबाग से द्वारका तक आने का टाइम, और एक बात आऊं सब सो जाते हैं और मैं नहीं सो सकता, अगर मैं सो जाऊंगा तो गाड़ी ठुक जाएगी लेकिन यार बहुत ज्यादा टफ रहता है दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाना, बस 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद तो यार दिल्ली से थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए ब्रेक लूंगा मैं, दिल्ली जल्दी नहीं आऊंगा मैं अब यार, बड़ा ज्यादा ट्रैफिक होता है यार, बहुत ज्यादा होता है, इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाई नहीं जाती मुझसे, आदत भी नहीं रही ना चलाने की, पहले तो वो चला भी लेता था पर अब आदत बिल्कुल नहीं रही चलाने की। हम घर आ गए और घर आते ही ना गेम चालू हो गया, और आज हमारे साथ ना दो प्लेयर हो रहे हैं, एक भाई आया है बरेली से, मतलब गेम्स खेलने स्पेशल आया है, नहीं नहीं यार भाई अपना कजन लगता है, तो घर आया था अभी जस्ट पहुंचे हम, मुझे भी नहीं पता था ये करोलबाग ही था, करोलबाग से जस्ट हम अभी पहुंचे घर, और एक भाई सभी भी आया हुआ है। हेलो, पूरा दिन बेकार गया आज, चलो खेलते हैं गेम। वैसे मुझे खेलना आ गया पता है, पहला नहीं आता था, अब सीख गया मैं खेलते खेलते। यहाँ गलत कर रखा है। सो मैं तो हार गया, चंचलिया के पास गेम है और भाई सैबी के पास है जेम, हार गया भाई मैं। इंटरेस्ट बहुत आ रहा, बहुत सारे प्लेयर्स है ना इसलिए। So, आज मैं 3 बार जीत चुका हूँ सबसे तगड़े प्लेयर में हमारे ग्रुप में। और मेरे कपड़े कैसे हो गए? लियो कपड़े ना एक और बार हरा के मिलते हैं। सो भाई मुझे हरा दिया गया है भाई मानी के साथ, लाते मार मार के नीचे बैठ गए, 4 मैच जीत हार गया, 1 गेम हार गया। रात के बज रहे हैं 12:30, और एक बात बताऊं यार, इतना लेट तो मैंने कभी खाना नहीं खाया जितना लेट आज खा रहे हैं, क्योंकि इतना एक्साइटेड हो गए थे गेम खेलने में, देख रहे हो खुशी ये देखो उधर से कुछ कह रहे हो आप, नहीं सच्ची काफी लेट खाना खा रहे हैं आज, और इतनी देर तक गेम खेल रहे, इंटरेस्ट ही लगता खेलने का, सब बहुत सारे प्लेयर्स थे ना तो मजा भी काफी आ रहा था, नॉर्मल थे, कुछ प्रो प्लेयर्स भी आ गए थे बीच में, काफी प्रो प्लेयर्स भी थे, काफी देर तक मैं हराता रहा, फिर मुझे भी हारना पड़ा, मैं नहीं चाहता ना किसी का दिल टूटे, लगातार उन्हें हराता रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग?
चलो खाना खा लेते फटाफट। आज बने कड़ी चावल। सो दोस्तों वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। खाना खा लिया था मस्त बढ़िया वाला और दोस्तों के साथ मजे भी कर लिए थे, काफी ज्यादा ही मजे। तो भाई भी थे उनके साथ ही मजा कर लिया था। थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड हूं मैं, नई बाइक लूं कि नहीं लूं, क्योंकि अगर मेरा जो प्लान था ना, मतलब मेरा प्लान ये था मैं सेकंड हैंड बाइक परचेज कर लूंगा दिल्ली से, अगर मुझे पसंद आई तो मैं फिर उसे चलाऊंगा, और अगर नहीं पसंद आई तो डेप्रिसिएशन कम होती है ना सेकंड बाइक की, तो वापस बेच दूंगा। पर ये वापस बेचने में इतना स्ट्रगल हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं वापस बेच पाऊंगा, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे तोड़ रहे हैं वापस बेचने के लिए कि उतना तो शायद, मतलब मैंने ना आप लोगों के प्यार से इतना कमाया भी नहीं जितना ये तोड़ देंगे मेरे पैसे बाद में। तो मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि सेकंड हैंड बाइक लूं, तो सेकंड हैंड बाइक तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाह रहा इस वक्त, और फर्स्ट हैंड के लिए ना बजट भी नहीं है मेरा, तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ना आप अपना सजेशन दो कि क्या किया जाए, क्योंकि जो बाइक ले रहा हूं मैं वो काफी एक्सपेंसिव है। फॉर एन एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि नॉर्मल बाइक जो होती है ना हमारी, नॉर्मल पल्सर जो आती है वो 5-6 आ जाएंगी, तो इतनी महंगी बाइक लेने की सोच रहा हूं मैं। तो अगर आपको कुछ समझ राय हो, अगर आप लोगों की कोई राय हो तो वो जरूर कमेंट में बताना कि कौन सी बाइक लूं। लेकिन मुझे लेनी इस पर्पज से ही है कि लॉन्ग टूर पे चला पाऊं, क्योंकि जो धन्नो है ना उसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार वो कई जगहों पे चढ़ भी नहीं पाती है। जो हमारे पास डिस्कवर 125cc है ना, और उसकी एज भी काफी हो चुकी है, मतलब मैं उसे 1,00,000 चला चुका हूं प्रॉपर। क्योंकि कोई राय हो तो मुझे जरूर बताना कौन सी बाइक लूं, अभी मैं पूरा कंफ्यूज्ड हूं। दोस्तों मैं ना नहीं चाहता ये कि जो प्यार से आपके मुझे इतना, मतलब जो भी मुझे मिला है आपके सपोर्ट के थ्रू, मैं ये सोच भी पा रहा हूँ कि मैं सुपर बाइक परचेज करूँ, वो मेरा सपना बहुत जल्दी ही ना टूट जाए। मेरे को कोई ऐसी बाइक ना मिल जाए जिसका मैं सिर्फ रिपेयर ही कराता रहूँ सेकेंड हैंड परचेज करने के बाद, और चलाऊं कम और टेंशन ज्यादा लूं, तो ये चीज नहीं चाहता हूं मैं। जो आपका प्यार आप मेरे साथ बना हुआ है उसके थ्रू मैं कुछ ऐसा ही लेना चाहता हूं जो मेरे को लाइफ टाइम काम आए और हमारी फैमिली के अंदर बने, मतलब फैमिली की होगी ना वो बाइक जो मैं लूंगा, तो उस चीज को देख के सोच रहा हूं। तो जो भी आपकी राय हो जरूर देना। मिलते हैं कल सुबह एक बढ़िया से व्लॉग के साथ, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ, बाय बाय।